लघु उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कुछ समय पहले शुरू की गई थी। जालना जिले के छोटे व्यवसायियों को उस योजना का लाभ दिलाने के लिए गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे विशेष रूप से उपस्थित थे। दानवे ने बताया कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए का वितरण किया जाएगा और इस ऋण को चुकाने के बाद 50,000 तक चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों की नौकरी चली गई, ऐसे छोटे कारोबारियों को सरकार की ओर से योगदान देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का बिना गारंटी वाला कर्ज दिया जा रहा है। जालना जिले के 7,000 लोगों को 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। उनमें से 2,000 को अब तक ऋण के लिए मंजूरी दे दी गई है और शेष लोगों के आवेदन विचाराधीन है और 1 मार्च को सभी को ऋण वितरित किया जाएगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने इस अवसर पर कहा, इसी पृष्ठभूमि में कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर आबा दानवे आदि मौजूद रहे। जालना जिल्ह्यामध्ये जे प्रधानमंत्र्यांनी स्वनिधी योजना ची घोषणा केली तर जालन्यामध्ये किती लाभार्थ्यांना त्याचं वाटप झालं अशा प्रकारची बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती। साधारणतः 7,000 लोकांना प्रत्येकी 10,000 रुपये जे कोविडच्या काळात ज्यांचे बिझनेस प्रभावित झाले अशा लोकांसाठी देण्याचं प्रधानमंत्र्यांनी घोषित केलं होतं, त्याचा आढावा मी घेतला। साधारणतः 2,000 लोकांना आत्तापर्यंत पैसे वाटप केले गेलेले आहेत किंवा मंजूर केलेले आहेत आणि 4,000 लोकांचे ॲप्लिकेशन पेंडिंग आहेत। 1 मार्चला हे सगळे पेंडिंग अर्ज सँक्शन करून साधारणतः जिल्ह्यामध्ये 7,000 लोकांना स्वनिधीमधून बँकांमार्फत पैसे वाटप केले जाणार आहे। आणि मला असं वाटतं की टार्गेट जर पूर्ण झालं तर पुढच्या काळात पुन्हा याच लोकांना 10,000 फेड केल्यानंतर 20,000, 20 नंतर 30,000 आणि 50,000 रुपयापर्यंत सुद्धा पुढील धंद्याला व्यवसायाला कर्ज दिल्या जाईल अशा प्रकारची बैठक आज या ठिकाणी पार पडली। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।